समय की बड़ी खबर आपको दे दें। सिख दंगा मामले में दोषी करार सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका। 31 दिसंबर को उन्हें सरेंडर करना होगा। सज्जन कुमार ने एक महीने का वक्त मांगा था सरेंडर करने के लिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। अब उनको 31 दिसंबर तक ही सरेंडर करना होगा सज्जन कुमार को। तो सज्जन कुमार को अब जेल जाना ही होगा। सज्जन कुमार ने हाई कोर्ट से अपील की थी कि उनको सरेंडर करने के लिए एक महीने का वक्त दे दिया जाए। एक महीने के समय की मांग थी सज्जन कुमार की, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मांग को ठुकरा दिया और अब सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक अपना सरेंडर करना ही होगा। हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 1984 सिख दंगों के मामले में दिल्ली कैंट में 5 सिखों की हत्या हुई थी और भीड़ को उकसाने का उनके ऊपर आरोप था। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लोअर कोर्ट से वो उनको रिहा कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दी थी और 31 दिसंबर तक उनको सरेंडर करना था। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट है, क्या कहना है कोर्ट का? एक बड़ा झटका है ना सज्जन कुमार को, क्योंकि अब सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना ही होगा। दरअसल सज्जन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने 30 दिनों की और एक्सटेंशन मांगी थी सरेंडर करने के लिए। सज्जन कुमार चाहते थे कि उन्हें 30 जनवरी 2019 तक का समय दिया जाए ताकि वो सरेंडर कर सके, लेकिन इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सज्जन कुमार को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि सज्जन कुमार को 31 दिसंबर 2018 तक सरेंडर करना ही होगा। बहुत